हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। इसके पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 3 to 4 मार्क्स के होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसको अटैम्प्ट करने में घबराते हैं। तो आज हम इसका वे आउट ढूंढेंगे कि हम इसको किस तरह से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और अटैम्प्टेशन कैसे करनी है इन क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये हमारा होता है ट्रेपेजियम, इस शेप का होता है। फर्स्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, दिस इज़ ए बी सी डी। या आपको क्लॉकवाइज लिखना होता है या आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है। ये ट्रेपेजियम हो गया, इसमें गिवन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये हमें चीज़ क्या है, गिवन है। देन ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी, दिस लाइन इज़ इक्वल्स टू दिस लाइन। अब अगर ऐसा हो, दो लाइंस पैरेलल हो और जो बाकी जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्रेपेजियम। अब इस केस में जो क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, मतलब वो आइसोसेलस ट्रेपेजियम की गिवन है। अब हमें शो करना है कि सबसे पहले एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। बट हम इसको सीधे इस तरह से प्रूफ नहीं कर सकते, हमें एक लाइन पहले पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। कौन सी लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ मैं, ए डी के पैरेलल एक लाइन, ये ए डी दिखाई दे रहा है आपको, इसकी एक पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, ए डी के मैंने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, इसका नाम मैं रख लेती हूँ ई और इसको हम कर देते हैं जॉइन। मतलब ये अब दोनों लाइन्स क्या होगी, पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये पहले नॉन पैरेलल थी किसके साथ, बी सी के साथ। अब मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले आप एक वर्ड लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए डी, ठीक है, ए डी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ सी ई क्या हो गया, पैरेलल टू ए डी, ठीक है। जब ऐसा हो गया, सी ई इज़ पैरेलल टू ए डी, अब अगर ए डी और पैरेलल टू सी ई है, देयरफोर क्या होगा, ए ई सी डी इज शुड बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। जब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो वो कौन सा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, यानी कि ए डी सी ई के बराबर भी है, ठीक है। अब अगर ए डी सी ई के बराबर है वन, यानी कि वो बी सी के भी बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ई। ये रिजल्ट हम नोट डाउन कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल टू शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। अब क्या होगा, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर मैं इसको मान लूँ एंगल वन, इसको मैं मान लेती हूँ एंगल वन और इसको मैं मान लेती हूँ एंगल टू, ठीक है। अब अगर एंगल वन और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल वन और टू का सम क्या होगा, दिस इज दीज आर कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये जो ई ई है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक लाइन होती है तो वो एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करती है, यानी कि एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर ली, रीज़न हम साथ में लिखेंगे कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो गया कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स के बाद, अब मैंने क्या कहा था, बी सी जो है वो सी ई के इक्वल है। अगर मैं इस एंगल को ये थ्री मार्क कर लूँ, ठीक है, तो एंगल टू और थ्री क्या हैं आपस में, ये ट्रायंगल देखिए, हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी ई में क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू सी ई है
ये कब बताया था मैंने आपको, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ए डी के बराबर है बी सी और बी सी सी ई के बराबर है, ठीक है। बी सी अगर सी ई के बराबर है तो एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, राइट। अब ये क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट इस एंगल को 4 मान लीजिए, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 2 इज इक्वल्स टू 3 तक, मतलब ये वाले ट्राइंगल तक पहुँच गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये 3 प्लस 4 क्या बना रहा है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब हमें पता है कि एंगल 2 और 3 इक्वल है, यानी कि ये 2 और 3 क्या है, इक्वल है, ये कट हो जाएंगे, राइट हैंड साइड भी आपकी कट हो जाएगी 180 180। तो आपका बचा क्या, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देयर फोर इसका मतलब है एंगल ए जो है वो बी के इक्वल है। अब एक बात और है, आप इसको ज़रूरी नहीं है मैंने जैसे मार्क किए हैं वैसे ही एंगल्स को मार्क करना है, आप शुरुआत में इसको एंगल 1 एंगल 2 ले सकते हैं। तो आपने शुरुआत में ये चीज़ डिस्कस करनी है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्रूफ करना है, तो अगर आप यहाँ पर 2 लेंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के प्रूफ करना है। बेसिकली अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है, सिर्फ सबसे पहले एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, वहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाना है, उसके बाद जो जो रिजल्ट्स आपको मिलते जाने हैं उनको इक्वेशंस की फॉर्म लिख के और इस आंसर्स को आपने निकालना है। अब हम सेम वे से प्रूव करेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए, सी इज इक्वल्स टू डी के लिए हमें पता है कि कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि कहने का मतलब ये होता है अगर मैं इसको एंगल 5 मान लूँ और इसको एंगल 6 मान लूँ, ठीक है। फर्स्ट से हमें रिजल्ट क्या मिला हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये हमने इनके नाम दिए थे। अब यहाँ से अगर कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि ये कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड हम फर्स्ट पार्ट में एज्यूम कर चुके हैं। ऐसे ही 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 1 और 4 क्या है, इक्वल है, मतलब अगर हमारी राइट साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गई, यानी कि कहने का मतलब है एंगल 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस 6। अब एंगल 1 और 4 क्या है, इक्वल है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, यानी कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, यानी कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड पार्ट को प्रूफ कर दिया। अब हमारे थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल क्रिएट करना है हमने, ठीक है, और बी ए डी, बी ए डी वाला ट्रायंगल, ठीक है। मैं इसकी दोबारा से फिगर ड्रॉ करने जा रही हूँ और फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, एक रेड से किया है और एक ब्लू से किया है। दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर कर लिए, ए बी सी एंड बी ए डी। अब इस केस में क्या होगा, ए बी दोनों में क्या है, कॉमन, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, कॉमन साइड टू बोथ द ट्रायंगल्स, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए सी और डी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स ही वो कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ से ए और बी ले सकते हैं, वो हमने आपके फर्स्ट पार्ट में प्रूव्ड इन पार्ट 1, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो ये तीनों क्राइटेरियाज मिल गए, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो ये तीनों पार्ट्स आपने इस तरह से बारी बारी से आराम से इसको प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल गिवन है,
जिसमें बाइसेक्टर ए और सी का, ये बाइसेक्टर ए और सी का, यानी कि बाइसेक्टर है मतलब ये जो एंगल बन रहे होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, 2 के बराबर है और यहाँ पे एंगल 3, 4 के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब होता है, हम इसको लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये क्योंकि बाइसेक्टर है ए और सी का। मीट डी सी प्रोड्यूस्ड एट वाई, यानी कि डी सी को वाई पे मिल रहा है और ए बी को एक्स पे मिल रहा है रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट एक्स प्लस वाई, यानी कि ये दोनों एंगल्स एक्स और वाई इज हाफ ऑफ एंगल ए प्लस सी। ठीक है, अब आप इसको प्रूव करने के लिए आप इसने ध्यान रखना है कि ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई कहाँ कहाँ पर आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एक दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से मार्क कर रही हूँ, सबसे पहले सी एक्स बी। अब अगर आप सी एक्स बी वाला ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, इन ट्रायंगल सी एक्स बी, तो सी एक्स बी मैं देखूँ तो एंगल 4 प्लस एक्स प्लस बी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, तो एंगल 4 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेती हूँ। मुझे एक्स अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चाहिए था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब वाई देखिए किस में आता है। अब वाई के केस में वाई जो ट्रायंगल है उसमें मैं डी ए वाई, अगर ये ट्रायंगल देखूँ, इन ट्रायंगल डी ए वाई, डी ए वाई में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यह बन गई हमारी दो इक्वेशंस जिसमें हमने एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड पे निकाल लिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और डू मेंशन द रीजंस, यहाँ पर दोनों का रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये क्या रीज़न है, बाइसेक्टर्स हैं। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो आप देखिए क्या होगा। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करने जा रही हूँ, सारे इक्वेशंस को, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। एंगल 1 और 4 ऐड कर दिया, x और y, b और d एंड 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब एंगल 1 की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल a, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और 4 की जगह पे हम डाल सकते हैं हाफ ऑफ एंगल c। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल c यहाँ पे आ गया, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल c ही है ये। ठीक है, अब एंगल x प्लस y प्लस एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। पहली बात तो हमें ये 360 हमें प्रूफ में नहीं चाहिए, पहले तो इसको कैंसिल करने का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमें b और d भी नहीं चाहिए। अब एक चीज़ और होती है हमारे पास, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम अब यूज़ करेंगे। अब इस केस में अगर आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो क्या होगा, बी और डी इन दोनों इक्वेशंस में से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर ए और सी रह गया और 360 भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, अब 360 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट आउट क्या रह गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इस साइड हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ सी है, उस साइड क्या है, फुल ए और फुल सी। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगी और माइनस करूंगी एंगल ए में से हाफ ऑफ एंगल ए, तो मेरे पास क्या बचेगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, तो मतलब आपने देखना है प्रूफ के अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको चलकर और इसको प्रूफ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही,
आज हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो हमने देखा है कि किस तरह से उनको पार्ट वाइज पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लेके आऊँगी जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बेस पे होंगे। तो इसीलिए कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको कोई डाउट आता है और अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन मैं आपके लिए करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। मैं उसका आंसर वाया मैसेज और वाया वीडियो जरूर दूंगी। हैव ए नाइस डे।